दुनिया तो में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसके साथ इन प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उसकी स्किन में ना चल रही हो तो ये जो वीडियो है ना ये ख़ासकर उन लड़कियों के लिए जिनको स्किन चाहिए अपनी ग्लोई शाइनी और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ तो इसमें सारी वीडियो में जो है ना होम रेमेडीज़ बताऊंगी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी पार्ट कोई भी टिप मिस ना हो जाए अस्सलाम वालेकुम आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही यार इफ़ेक्टिव लगती है मुझे स्किन केयर के हवाले से क्योंकि इसमें बात होगी कोरियन स्किन केयर की कोरियन स्किन केयर जो है होम रेमेडीज़ के साथ हम किस तरह से कर सकते हैं क्या करना है कौन कौन से मास्क लगाने हैं तो तीन चीज़ें हैं क्लिनजिंग करनी है सबसे पहले उसके बाद फेस मसाज करनी है और कोरियन फेस मास्क लगाना है ये तीनों चीज़ें जो है वो होम रेमेडीज के साथ मैं करूँगी कोई भी जो है वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी मैं तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी ये करने के लिए <laughs> खैर मैं इसको बीच बीच में कभी कभी कर लेती हूँ कभी कोई पार्ट कभी कोई पार्ट लेकिन सबसे पहले मैं क्लिनजिंग करूँगी क्लिनजिंग के लिए मुझे चाहिए दो चीज़ें और उन दो चीज़ों को मैं अभी आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो है वो हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे सारा कुछ मैं दिखाऊँगी तसली तो से ठीक है अब कर लेते हैं क्लिनजिंग स्टार्ट तो शुरू करते हैं कि चीज़ें क्या क्या चाहिए सबसे पहले एक बाउल ले लेना है ठीक है जिसके अंदर आपने सारा कुछ जो है ना मिक्स करना है उसके बाद ले लेनी है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल अगर आपके पास नेचुरल वाली पड़ी है तो अच्छी बात है जो ओरिजिनल होती है और मेरे पास नहीं थी तो मैंने जो है वो ये वाली एलोवेरा जेल यूज़ की है गोल्डन टच की एलोवेरा जेल है जो मैंने यूज़ की है इसके अलावा जो है ये मैंने मिल्क ऐड करना है इसके अंदर वन टेबल स्पून और जितना आपको आपके फेस पे इजीली अप्लाई हो सकता है नेक पे अप्लाई हो सकता है आपने उतनी ही क्वांटिटी लेनी है चीज़ों की उसके बाद मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि इनका अच्छा सा मिक्सचर बन जाए और इसके मिक्सचर बनाने के बाद अपने जो बाल वगैरह हैं उसको मैं कर लूँगी पीछे 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 हो जो स्किन केयर होने वाली है तो ये सारा कुछ पीछे पीछे करने के बाद अब ये जो शकल है इसके ऊपर मैं ये क्लेंजिंग करूँगी अच्छे तरीके से और इसके लिए मैं टिशू या कॉटन पैड आपके पास कुछ भी पड़ा हुआ है आप उसके साथ जो है वो इसको डिप करके उसके अंदर तो अपनी क्लिनजिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो अच्छा क्लेंजिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है ना मिल्क एड है और मिल्क में जो होती है ना वो ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेड स्किन जो लेयर होती है ना बेसिकली वो उसको रिमूव कर रहा होता है तो क्लिनजिंग जो है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही अहम स्टेप है कि इससे पहले जो हमारे फेस पर डर्ट है जो भी इस तरह के डेड स्किन लेयर आई हुई है या कुछ भी हुआ हुआ है तो सबसे पहले तो हम स्किन को क्लीन कर रहे हैं बेसिकली कि ये क्लीन हो जाए नीट हो जाए ताकि जो हमारा मास्क लगाएंगे या आगे मसाज करेंगे तो वो अच्छे तरीके से हो सके तो इसके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो पार्ट है ना वो मुझे लगता है कि क्लेंजिंग ही है कि सबसे पहले हमारी जो स्किन है वो सारी साफ़ हो जाए ड्राई कर लेंगे दस से पंद्रह मिनट के लिए और ड्राई करने के बाद जो है मैं इसको वॉश कर लूँगी वॉश करने के बाद मेरी स्किन कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी और अब चलते हैं अगला स्टेप फेस मसाज इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है ये देख लेते हैं सबसे पहली जो चीज़ है वो चावल का आटा ऐड किया चावल का आटा जो है कोरियन स्किन केयर हो और राइस फ्लावर यूज़ ना हो रहा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता <laughs> इसके बिना जो है वो इनकम्प्लीट है तो ये मैंने ऐड किया उसके बाद मैंने मिल्क ऐड किया है मैंने पहले भी बताया कि क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से लेनी है कि आपकी वेस्ट ना हो उस हिसाब से आपने क्वांटिटी लेनी है बाकी खैर तीनों चीज़ों का बस मिक्सचर चाहिए इतना कोई बड़ा मसले वाली बात नहीं है और ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपके स्किन पर जो है कोई Uh, मतलब इफेक्ट करेंगी या कोई मसला होगा इस तरह का कुछ भी नहीं होता ठीक है होम रेमेडीज इसीलिए की जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादातर सेफ होती हैं इसका मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तीनों चीज़ें जो है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और अब मैं लगाऊंगी इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दूंगी बेसिकली इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसकी करनी है मसाज मसाज जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको अब मैं लगाती जाऊंगी यार वैसे इतना गंद मचता है ना स्किन केयर करते हुए सच में ये कोई गंदी सी टी शर्ट पहन के और कोई नीचे भी कुछ ना कुछ जो है ना बिछा बिछू के ही करना चूँ ये मैसी सीन हो जाता है इससे खैर मसाज कर रही हूँ मैं जिस जिस तरह मैं अपने प्रेशर पॉइंट्स पर मसाज करी हूँ आपने भी सेम मैंने सिर्फ आपको स्टेप बता दिए हैं हर स्टेप को आपने दस दस बार करना है अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से मसाज करनी है ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो है वो अच्छी हो जाए तेज़ हो जाए और आपकी स्किन पे जो है नेचुरल भी ग्लो आए और ये अगर आप डेली बेसिस पे करेंगी कोई ना कोई नाइट टाइम स्किन केयर में या मॉर्निंग टाइम स्किन केयर में अगर आप इसको ऐड कर लेंगी तो दिन ब दिन एक तो आपके जो फेस है वो अपलिफ्ट हो जाएगा शेप में आ जाएगा और दूसरा जो होगा आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी जिसकी वजह से आपके जो फेस है उसके ऊपर ग्लो आना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन डल नहीं लगेगी इसलिए फेस मसाज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वॉश कर लिया मैंने यहाँ पे अपना फ़ेस और अब बात करते हैं थर्ड वाली चीज़ की कोरियन फेस मास्क की इसके लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहले हमने ले लिया है बाउल एक इसके अंदर मैंने ली है योगट दही कोई भी ले लेनी है आपने एक टेबल स्पून ये लिया है और एक टेबल स्पून चावल का आटा ले लिया है और उसके बाद मैंने ऐड किया है रोज वाटर यहाँ पे रोज़ वाटर मेरे पास यही पड़ा हुआ था आपके पास जो भी पड़ा ऐड कर दो रोसबोट ऐड करना बस ठीक है उसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हम इसका मिक्सचर बना लेंगे प्यारा वाला अच्छा वाला और ये ज्यादा बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा जो है ना वो लिक्विड टाइप वाटर टाइप भी नहीं होना चाहिए इसको खैर मैं ये देखा नीचे गिरा सब कुछ <laughs> तो इसको मैं खैर अब अप्लाई कर रही अपने फेस पे ये जो है ना ठुना ठुंडा लग रहा था मुझे हल्का-हल्का तो इसको अपनी नेक पे भी अप्लाई करना है जो भी क्लेंजिंग करनी है मसाज करनी है हर चीज़ अपनी नेक पे भी साथ साथ करनी है इसको अब मैं ड्राई कर रही हूँ और अब मैंने कर लिया है फ़ेस वॉश ये एंड पे वाकई ही मेरी स्किन पे ग्लो आया था ठीक है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है स्किन जो है वो सॉफ्ट हो गई थी नेचुरली ये जो है ना ये ग्लो आया था एक शाइन आ गई थी फेस पे तो मस्ट 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 इसको ट्राई करना है और इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी मिस नहीं करोगे तो ही रिज़ल्ट आएगा आप इसको जो है वीक में जो है एक बार कर ले वो भी बेस्ट है और मंथ में जो है तीन चार बार होगा तो ओके होगा और ये वाकई ही काम करता है कोरियन स्किन केयर इसीलिए फेमस नहीं है ये इसके वाकई ही रिज़ल्ट होते हैं आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट और नीट हो जाती है यहाँ पे मेरी स्किन भी इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं बार बार हाथ लगाऊँ तो ये बहुत ही बहुत ही यार इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट था खैर इसका जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन पर मजीद रिज़ल्ट शो होता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे जो है आपकी स्किन ग्लो होती रहती है अगर आप इसको अपनी लाइफ में एड ऑन कर लेते हो इसको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन है कोई भी बात है अगर कुछ रह गया है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे सबसे पहले तो फॉलो कर लो या कोई बात करनी है तो वहां पे भी हो सकती है तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आप जरूर ट्राई करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हाफिज़